कामयाब करो, कामयाब करो, कामयाब करो, कामयाब करो, बच्चों का मुस्तकबिल कामयाब करो, कामयाब करो, कामयाब करो, कामयाब करो, बचाओ बचाओ स्कूल, बचाओ 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 स्कूल, बचाओ इजामिया स्कूल, बचाओ 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 बचाओ बच्चों का मुस्तकबिल बनाओ 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 बनाओ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं सफदर कैसर कौशल न्यूज़ से आपके रूबरू। यहाँ पे इल्म को लेकर कुरान मजीद में सबसे पहले आयत इखरा कही गई, यानी इल्म की हफाजत को लेकर अल्लाह ताला ने सबसे पहले आयत नाजिल फरमाई। आज हालत नज़ार ये है कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे मंडी मोहल्ले में मौजूद निज़ामिया हाई स्कूल, यानी कदीम ऐसी तारीखी स्कूल है जहाँ पे अब तक हज़ारों तलबा यहाँ से फैज़ हासिल करते हुए सारी दुनिया में फैल चुके हैं। और देखने वाले व्यूअर में ज़रूर कोई ना कोई तालिब इल्म है जहाँ निज़ामिया स्कूल से अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके। स्कूल को लेकर एचडीपी के नौजवानों ने यहाँ पे एक नारा लगाया है, वो नारा बड़ा दुख का है कि स्कूल बचाओ। देखिए, निज़ामिया स्कूल एक बहुत पुरानी तारीखी स्कूल है, हेरिटेज बिल्डिंग भी है, ये लगभग 100 साल मुकम्मल होते आ रहे हैं। इसके बारे में एक नोटिस को हमने दिया, हमें देखकर बहुत अफसोस हुआ। कहाँ से जारी हुई, थोड़ा इधर बताइए। ये नोटिस जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जारी हुई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से नोटिस स्कूल के नाम जारी हुए है। अच्छा, स्कूल मालिक के नाम से। तो इसमें क्या है सर? तो इसके बारे में मैं थोड़ा तफसील से बताना चाहूँगा। ये स्कूल को माहाना 80 पर 6,000 रुपया किराया सरकार की तरफ से स्कूल की बिल्डिंग को आता था। जी, ये स्कूल जो है यतीम खाने के अंडर आती है और वक्फ़ की मिल्कियत है ये जी। तो यहाँ पर 80 पर 6,000 माहाना किराया आता रहा है जी। और 80 पर 6,000 किराया आने के बावजूद ये स्कूल आप देख सकते हैं एक तबेले से बदतर है। गाय के तबेले भी जो है इससे अच्छे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे तलबा जो है तालीम हासिल करने आ रहे हैं। हमने अंदर जाकर जायज़ा लिया तो यहाँ पर बदतर से बदतर हालत है। मैं कहना नहीं चाहता, आप देख सकते हैं जाकर अंदर कैसी है। तो ऐसी हालत की स्कूल को यहाँ के जिम्मेदारों ने गवर्नमेंट से इसका किराया बढ़ाने के लिए एक लेटर लिखा है, यानी कि 1,40,06,450 रुपये इसका माहाना किराया बढ़ाने की इन्होंने दरख्वास्त की है 80 पर 6,000 से। अच्छा, किसने दरख्वास्त दी है? ऐसे ये बिल्डिंग के ओनर जो वक्फ बोर्ड के और यतीम खाने के अंडर आती है। अच्छा, बिल्डिंग के, तो उन्होंने गवर्नमेंट को ये एक दरख्वास्त की है जी, जी। तो गवर्नमेंट से जो नोटिस आई है उसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पर 80 पर 6,000 रुपया ही ज़्यादा हम दे रहे हैं पहले से ही। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर बुनियादी सहूलत नहीं है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस ठीक नहीं है। यानी हुकूमत का ये कहना है कि जो 80 पर 6,000 दे रहे हैं वही काफ़ी है। काफ़ी है। हाँ। और 1,40,000 पर 6,000 देने से गवर्नमेंट को उसके नुकसान होंगे। तो इस लिहाज से गवर्नमेंट ने इन्हें नोटिस दी है कि ये स्कूल रहने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल को जो है इसके यहाँ के सराउंडिंग में 1 किलोमीटर के दरमियान जो जो स्कूल आते हैं उसमें इसे मर्ज किया जाए या शिफ्ट किया जाए। इसमें स्कूलों के नाम भी दिए हैं, यानी कि इसमें पहली स्कूल जो है सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल उर्दू प्राथमिक कशाले दिया गया है। दूसरा जो है सरकारी उर्दू हिरिया प्राथमिक कशाले सुन्नी चौक, और तीसरी जो है सरकारी उर्दू प्राथमिक कशाले प्रैक्टिसिंग, यानी कि 3 स्कूलों का इन्होंने प्रस्ताव किया है जो मर्ज किया जाए। हाँ, गवर्नमेंट से मर्ज किया गया है जी। तो हमारा एचडीपीए का ये मुतालबा है, ये डिमांड है कि इसको ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 80 पर 6,000 जो माहाना किराया आ रहा है वो वफ़ को जाता है। अगर ये स्कूल को मर्ज कर देंगे तो पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो किराया नहीं आएगा, यानी कि जो आमदनी आती थी वो नहीं आएगी। और दूसरी जो है इस स्कूल को ना जाने यहाँ पर क्या करने वाले हैं आगे जाकर। अगर स्कूल शिफ्ट हो गई तो यहाँ पर तोड़फोड़ कर पता नहीं क्या होगा। एक तो हेरिटेज बिल्डिंग है, इसकी हिफाजत कर इसे रखना चाहिए। तो हमारा एचडीपीए से मुतालबा है, डिमांड है कि जो किराया ये लेते हैं और गवर्नमेंट से भी अलग अलग तरीके के ग्रांट्स भी आते हैं स्कूल डेवलपमेंट के लिए, क्यों आज तक ये स्कूल तबेले की तरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कोई भी इसे यहाँ पर भेजना नहीं चाहेगा। तो हमारा पहला नहीं दिलाना पसंद करेगा। तो हमारा पहला ये डिमांड है कि इसकी स्कूल की हालत ठीक कीजिए और यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए ताकि यहाँ पर तलबा आकर जो है तालीम हासिल करें। और दूसरा हमारा ये
मुतालबा है कि पहला ये जो किराए का डिमांड किया है 1,40,000-1,06,000 इसे वापस ले और 80,000-85,000 जो दे रहे हैं उसे जो है इत्मीनान रखे, और अगर ये डिमांड जारी रखेंगे तो खुदा ना खास्ता ये स्कूल शिफ्ट करने की गवर्नमेंट ने अगर ऑर्डर जारी कर दी तो बहुत मुश्किल होगी, स्कूल बचाने हम बचा नहीं पाएंगे जी। इस नोटिस में और एक बात भी है, मैं आपको आपके इल्म में लाना चाहूँगा। इसमें साफ तरीके से ये कहा गया है कि ये स्कूल के लिए और गवर्नमेंट से दूसरी जगह भी सैंक्शन हो सकती है। इसमें खुले अल्फाज में लिखा गया है कि सी ए साइड से कोई भी लोकेशन पे अगर स्कूल के जिम्मेदार सेलेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट से इसे स्कूल बनने के लिए जगह भी दी जाएगी। तो हमारा इनसे यहाँ के जिम्मेदारों से ये मुतालबा है, ये हम दरख्वास्त भी करते हैं कि पहले स्कूल शिफ्ट ना करें, पहले जो सरकार ने इन्हें जो नोटिस में कहा है एक जगह अच्छी जगह तलाश कर कर जो है नई स्कूल भी बने जिसमें अच्छा प्लेग्राउंड हो और अच्छे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें जो इल्म हासिल करने जो तलबात हैं उन्हें अच्छा माहौल मिले। तो इसका तो ये भी इसका भी भरपूर फ़ायदा उठाए जी गवर्नमेंट का, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। सर रफत भाई, आपने कहा कि यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनकी गफलत से ये हालत हुई है। जी जी जी। 80,000-85,000 किराया मिलने के बावजूद इस हालत को जिस किस्म से रहना चाहिए था वो नहीं था, आपका मुतालबा है। मेरा ये सवाल है कि आप वफ के जिम्मेदार जो हैं उनसे मुलाकात की इससे पहले? जी जी, हम सीधे वफ के ऑफिस से यहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ उनका क्या कहना था सर? उनका कहना था कि वफ बोर्ड को भी ये पता चला कि ये किराया ज्यादा करने का डिमांड किया है, तो उन्होंने जो मैनेजिंग कमेटी है उनको नोटिस जारी किया है कि इसके बारे में तफसीलात पेश करें। मेरा नाम नूरुद्दीन फारूकी, SWC मेंबर SDP कर्नाटका, और ये मेरा शहर है। शहर में आए दिन ये हालात देखकर बड़ा दिल दुखता है। पहले ही हमारी कौम लिटरेसी तालीम के एतबार में पसमानदा यानी आदिवासियों से नीचे जा चुकी है। ऐसे वक्त में जो इदारे हैं वो भी इदारे आज बिकने के उठने के गगार पर हैं, इसकी जिम्मेदारी किसके जिम्मे है? मैं शिकायत तो बहुत सारों से है, लेकिन मैं यहाँ से जो पढ़कर काबिल बनकर आज बहुत सारे शोबों में जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उन नौजवानों से दिल से अपील करता हूँ कि आओ, तुम्हारा यह चमन उजाड़ा जा रहा है, आकर इस चमन की रखवाली तुम करो, ये तुम्हारे जिम्मे है। अगर इस चमन से तुम्हें फायदा ना होता तो आज तुम दो अल्फाज के काबिल ना होते। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपके चमन की हिफाजत करना ये सिर्फ SDP की जिम्मेदारी, यहाँ से अगर किसी ने एक अलिफ भी पढ़ा हो उसके जिम्मे है, उसका कर्ज है। और दूसरी बात, जो इतना किराया डिमांड कर रहे हैं आप लोग, कीजिए लेकिन पहले उसी फैसिलिटीज दीजिए। आप 10 रुपए के खाने को 80 रुपए का लेबल लगाएंगे तो कौन खाएगा? ऐसे में तो होटल बंद हो जाएगी। इसी तरह ना यहाँ बुनियादी सहूलत है, जिसका बच्चा मखमल पे सोता हो, सोफे पे बैठता हो, आके नीचे फटी चढ़ाइयों पे बैठेगा? बिल्कुल। अब वो लोग कॉन्वेंटों में जाएंगे, महंगी महंगी फीस देंगे, गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? वही सोल्यूशन पार्कों में जाएंगे, नशे के आदि बनेंगे। ये सारा का सारा जिम्मा कौम के उन रहबरों के सर है जिन्हें कौम के मुस्तकबिल को तराशना जिनकी जिम्मेदारी थी। इसलिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी हम वक्फ बोर्ड ऑफिस गए, वो कहा कि हमारे भी इल्म में आया, हम उनको बुला रहे हैं। कब तक बुलाएंगे? ये इतना मसला है कि नींद से उठने से पहले पहले हमारा दिल जाग जाना चाहिए कि हमारे कौम के इदारे बंद हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके मीडिया की बसासत से, तवस्सुत से, मैं यहाँ के अमाइदीन को यह पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि खुदारा इन स्कूलों को बचाएं। अब हमें ज़्यादा दुकानों की, होटलों की ज़रूरत नहीं, गली गली मकतब और स्कूलों की ज़रूरत है, ताकि होटलों में खाना अच्छा मिल सकता है, एक दिन का बच्चा वक्त गुजार तो सकता है, लेकिन हमेशा उसकी ज़िंदगी बेहतर होना हो तो स्कूलों की, मकातिबों की बहुत ज़्यादा हमें सख्त ज़रूरत है। इसीलिए मैं आप गुजारिश करता हूँ कि इन स्कूलों को बचाएं। अगर नहीं बचाए, अगर इसी तरह ऊंच नीच होती रही, इंशाल्लाह हम SDPE से शहर में एक आंदोलन चलाएंगे, स्कूल बचाओ आंदोलन चलाएंगे, जिसमें गली गली कोचे कोचे हम लोगों को जगाएंगे। बरकत हो जी। ये निज़ामिया स्कूल जो है पिछले 1930-1935 से स्कूल चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 1996 में काम से स्कूल में आया था, तब स्कूल में जो है तलबा की तादाद 1,886 थी। आज जो है गवर्नमेंट के हिसाब से 60/2 करी, यहाँ मैडम बोल रही 80/3 मेरे को बोल रही, ये घटले को जारी है। उर्दू स्कूल खत्म हो रही है, मंडी मोहल्ले के अंदर कितने उर्दू स्कूल आते हैं एक ज़माना,
सवारलीन थी, ऐसे बहुत सारे स्कूल थे ख़त्म होने को जा रही। आज जो है ये पढ़ाई और मेडिकल दो भी कमर्शियल हो चुका है। जैसे आप कोरोना के अंदर देखे मेडिकल के अंदर कितने रुपए आदमी बर्बाद, आदमी भी मर गया, पैसे भी चले गए। और एजुकेशन के अंदर जो है फीस आज क्या ही, इंग्लिश स्कूल में ले आगे पढ़े तो 50,000 दो 1,00,000 दियो। अब हमारे एरिया के अंदर जो स्कूल आई इसे हमें डेवलपमेंट करना, क्रिश्चियन क्या करते हैं एक नई स्कूल खोलते हैं, 10 बच्चों को जमाते हैं, डेवलपमेंट करते 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 उनके बच्चे क्या आते हैं 1,000 से 2,000 होते हैं। एक ज़माना हमारी स्कूल के अंदर 2,000 बच्चे थे, आज 60-80 के इसमें आ गई। हमें हमारा एक डिमांड क्या को बोले तो हमें स्कूल के ऊपर तवज्जो नहीं थी। हमें हर मुद्दे को एसडीपी वाले जो हर मुद्दे को ले रही, ये मुद्दा भी ले को ही इंशाल्लाह ये स्कूल यहाँ से हटाने के 1 इंच भी देते नहीं। इसके वास्ते जो है हमारा हाथ से क्या हो सकता हमें करती। कल मैं मैडम कने नोटिस पूछने कल सवेरा आया तो मैडम बोले नहीं भाई साहब अलता भाई मैं नोटिस देने होता नहीं, मुझे बहुत धमकी आ रही, बड़े बड़े लीडर फोन आ कर रही मुझे, ये नोटिस किसे भी तुम्हें देना नहीं कर को बोल को ये डरारीन धमकारी। मैं वो जो डरारीन धमकारी उनको मालूम हो जाता तुम्हें कौन डरा को हिंगर को बोल को मैडम को ये सब काम करने जौनों को इधारे को तुम्हें वकबोट के जो पैसे आ रही 1937 से तुम्हें भाड़ा ले रही, ये वक्फ की प्रॉपर्टी एक कौम के आदमी जो है तुम्हारा वक्फ कर कोई हिस्सो क्या, गरीब बच्चे तुम्हारा जो डेवलपमेंट होने को बोल को 1937 से आज तक इसके कितने करोड़ रुपये भाड़ा आया, इसके अंदर तुम्हें चुनना तक भी मार को नहीं, आज 50,000 भी खर्चा और को नहीं देंगे। ये जो है गरीबों के ऊपर तुम्हें खर्चा करो, डेवलपमेंट करो, तुम्हें भी एक दिन जाओ अल्लाह को जवाब देना है। एसडब्ल्यूसी मेंबर है और अल्ताफ भी और तमाम कैडर जब स्कूल के अंदर सर्वे करने गए तो मालूम हो रहा है वहाँ बोर्ड सही नहीं है, वहाँ बैठने के बेंचेस सही नहीं। आप 1,000 जो 600 बच्चे पढ़ते थे तो उस वक्त चापीस का भी कलम का ज़माना था सो, अब कंप्यूटर का ज़माना आको है, वो चीज़ें फरहम करे तो फिर बच्चे आको 1,000-1,500 पढ़ती। तो मैं चापीस भी कलम रख ले को बच्चों को पढ़ोगे तो कहाँ से पढ़ती, और टेबल बैठने के सही नहीं। एसडीपीआई का ये भी डिमांड है जो 80,000-1,00,000 जो किराया ले रही वो पैसा पूरा फरहम आप तुम्हें बच्चों को करना सो। हमना बड़ा अफसोस हो रहा है 1,600 बच्चे पढ़ते थे, आज ये बच्चे हमें सही काबिल होने की ताकत नहीं है। तो यहाँ से डॉक्टर काम बनती, इंजीनियर काम बनती, लायर काम बनती, पुलिस वाले काम बनती, हमें ये सब छोड़ को देते नहीं। और कमी हुकूमत की जिम्मे बनचे कि डेवलपमेंट के वास्ते ऐसे इदारे हमको बना ले को जाओ कर को ख़त्म कर ले को जाने नहीं। और इसके अंदर बहुत बड़ी साजिश है जो 80,000 को 1,60,000 रुपये जो कर रही, ये डर बिठा को स्कूल को डिवेट करने के वास्ते बहुत लोगों की साजिश है। इंशाल्लाह उसे भी एक एसडीपीआई के जिम्मेदार अहबाब चर्चे में ही पूरा कार्रवाई कर रही, कौन इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हमें उसे कटहरे में खड़ा करती। आप भी बहुत बढ़ चढ़ कर काम करती हैं और जहाँ तक मैंने देखा है कई बच्चों को आप अपनी तरफ से फीस भी बनते हैं, आज यह जो हालत है इस पर क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बड़े ही दुख की बात है, जैसे ही ये खबर मुझे पता चली, मैं भी यही मोहल्ले का हूँ, यहीं पर हमारा घर आज भी मौजूद है और दुकान कारोबार इधर है, 20 साल से मैं दुकान खोला हुआ हूँ। शर्मनाक और दुख की बात है, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बार बार इखरा 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 का लफ्ज, इसके माध्यम से ये न्यूज़ चैनल से बताना चाहता हूँ, हमारे इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर जनाब धर्मेंद्र प्रधान साहब और हमारे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर यस सुरेश कुमार साहब को मैं एक लेटर लिखूँगा ये स्कूल के ताल्लुक से। ये जो मामला है आपका रेंट का, ये आपका टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये क्या साजिश है पता नहीं। आप गवर्नमेंट आपको वक्फ बोर्ड को इस किराया देती है, इसका वक्फ बोर्ड में जो जगह देते हैं बुजुर्ग किस लिए देते हैं? कौम का इंसानियत का भला होने के लिए, ना कि आपको यहाँ सियासत करने का है। ना मैं किसी सियासी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे एसडीपी वालों ने बुलाया भी नहीं, मैं मेरी मोहब्बत से एजुकेशन के काम से यहाँ आया हूँ और मैं एसडीपी वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। कम्युनिटी की पार्टी नहीं है ये, पूरी इंसानियत की, सारे इंसानियत की पार्टी है ये। पार्टी को मैं अपने दिल की गहराइयों से फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ और ये स्कूल बचाने के लिए मेरे से क्या होता है ताउन में करने के लिए तैयार हूँ। ये स्कूल ये मोहल्ले से हटाने के लिए चाहे उसके लिए हमारी जान भी चली जाए, एजुकेशन के इसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये जो इल्म है ये जहालत को ख़त्म करने के लिए दुनिया में आकर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़माने में हदीस है, अगर आपको इल्म और एजुकेशन हासिल करने के लिए चाइना भी जाना पड़े तो आप चाइना जाएं। आप वो हदीस सामने रख लेकर काम करें। मैं सारे कौम के हमारे तनवीर सेठ साहब ये एरिया के नागेंद्रा साहब सबको बोलता हूँ कि एजुकेशन के लिए ये स्कूल बचाएँ और ये मोहल्ले की हिफाजत करें। जय हिंद जय कर्नाटका।